एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो कुंभ से पहले हरिद्वार में आज बड़ी शुरुआत हो सकती है। मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग पर बना फ्लाईओवर आज खुल सकता है। इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। इसके शुरू होने से दून और ऋषिकेश की तरफ जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर जाम के हालात रहते हैं, लेकिन इस फ्लाईओवर के खुल जाने से लोगों को काफी हद तक जो समस्या थी उसका निदान मिल जाएगा। मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग पर यह फ्लाईओवर बना है, लोगों को इसके खुलने के बाद जाम से निजात मिलेगी। आज से शुरू हो सकता है यह फ्लाईओवर। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, 2 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर, प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर इसे बताया जा रहा है। इसके शुरू होने से दून और ऋषिकेश की तरफ जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और रेलवे क्रॉसिंग पर जो जाम रहा करता था उससे भी निजात मिलेगी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज से शुरू हो सकता है। दून और ऋषिकेश जिन लोगों को जाना है, रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर जो जाम रहता था वो दिक्कत अब खत्म होने जा रही है। कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में आज ये बड़ी शुरुआत हो सकती है। मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग पर बना फ्लाईओवर आज खुल सकता है। इस फ्लाईओवर की लंबाई 2 किलोमीटर है, प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर इसे बताया जा रहा है। जैसे ही ये शुरू होगा तो ऐसे में जिन लोगों को ऋषिकेश या देहरादून जाना है उस तरफ जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर जो जाम लगा करता था जिससे लोगों को परेशानी होती थी वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है आज से शुरू किया जा सकता है। काफी समय से इस फ्लाईओवर की आस थी इस जगह पे, जो बनकर पूरी तरह से तैयार है और पब्लिक को है इसके उद्घाटन का इंतजार। खबर है कि आज से ही इसे शुरू किया जा सकता है। तो इससे पहले रेलवे क्रॉसिंग पर काफी जाम रहता था, मिनटों की दूरी घंटे भर से ज्यादा में तय होती थी, लोगों को काफी परेशानी आती थी, यहां बहुत भीड़भाड़ रहती थी। उस सब समस्या से निजात दिलाएगा यह फ्लाईओवर। प्रदेश का सबसे लंबा 2 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वो फ्लाईओवर आज से शुरू किया जा सकता है। पंकज राणा से इस पर अपडेट लेते हैं। पंकज, बताइएगा, प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर क्या आज इसे शुरू किया जा सकता है और उसके उद्घाटन के लिए किसी को बुलाया जाएगा या फिर इसको बस पब्लिक के लिए आज खोला जा रहा है? देखिए, इस फ्लाईओवर पर कल ट्रायल कर लिया गया है और सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। अभी उसकी जो अंतिम फिनिशिंग का काम है वो किया जा रहा है। संभवतः ये माना जा रहा है कि आज रात से इस फ्लाईओवर को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। तकरीबन पिछले 3-4 सालों से इस फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ चल रहा था और यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है, मोतीचूर का रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पड़ता है, इस पर अमूमन बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति रहती थी। 2-2, 3-3 किलोमीटर का जाम यह लगता था। और जो देहरादून के एरिया में पड़ता है, रायवाला जिला, रायवाला का जो एरिया है वो वहां पर पूरी तरह से जाम की स्थिति बनती थी। और उसके बाद जो सीधे एंट्री होती थी हरिद्वार के एरिया की, तो उसमें उस एरिया की तरफ पूरी तरह से जाम की स्थिति वहां रहती थी। लेकिन इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब पूरी जो स्थिति है वो, अब जाम की जो स्थिति रहती वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। संभवतः ये माना जा रहा है कि आज रात से इस फ्लाईओवर को खोलने की पूरी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। अभी ये कह सकते हैं कि जो वहां के अधिकारी हैं, एनएच के अधिकारी हैं, उसका निरीक्षण वो कर रहे थे और जो फिनिशिंग का काम था, कुछ जो वहां पर चीजें रुकी हुई थी, ग्रिल लगाई जानी थी, उसके अलावा जो पूरी तरह से एनएच की जो मार्किंग होती है वो की जानी थी, वो उसका काम अभी वहां पर चल रहा है। इसके साथ साथ ही क्योंकि कुंभ के मद्देनजर इस फ्लाईओवर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये 2 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है इसका निर्माण किया गया है, 2 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। उसके साथ साथ ही क्योंकि देहरादून ऋषिकेश की ओर से जो भी मार्ग इधर आते थे उनको, उन वाहनों को अधिकतर यहां जाम की में फंस जाने की स्थिति बन जाती थी, जाम में वो फंस जाते थे फाटक की वजह से। अब संभवतः ये माना जा रहा है कि जब ये फ्लाईओवर खुल जाएगा तो इस स्थिति से पूरी तरह से लोगों को निजात मिल सकेगी और जो जाम की स्थिति है वो नहीं होगी। जी,
जी हाँ बिल्कुल, जाम की जो स्थिति है वो नहीं होगी और आज रात से इसको भारी वाहनों के लिए खोला जाएगा और कल से ये पब्लिक के लिए समर्पित हो जाएगा। आप बता रहे हैं कि 3 से 4 साल वक्त लग गया इसको बनने में, लेकिन आखिरकार वो घड़ी भी आ गई है जब बरसों से बाढ़ जो रहे लोग उनको दिक्कतों से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो आने वाले समय में राजधानी देहरादून चारों तरफ से 4 लेन सड़कों का जाल यहां बिछा मिलेगा। हरिद्वार से देहरादून का काम इसी महीने पूरा होने जा रहा है। अब नए प्रोजेक्ट्स में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देहरादून पौंटा साहिब के बीच 4 लेन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे खूबसूरत पार्ट सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून तक 29 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगी। ये काम 2000 करोड़ की लागत से पूरा होगा। हमारी एक प्रोजेक्ट है जो गणेशपुर से जो है देहरादून को जोड़ेगी, वो प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में है और इसकी जो है बिडिंग प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है, बिड्स भी रिसीव हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट अवार्ड स्टेज में अब आ गए हैं। और इसकी लंबाई टोटल 29 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर का भाग जो है यूपी के अंदर है और 3 किलोमीटर का भाग उत्तराखंड में है। मैक्सिमम जो है एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट्स रहेगा। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से 1 घंटे का मौन रखा। हरीश रावत अपने आवास पर 1 घंटे मौन रहे। हरीश रावत का ये मौन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहा। हरीश रावत का कहना है कि आम आदमी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। तो हरीश रावत ने आज मौन रखा, उसके बाद कांग्रेस आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, लेकिन उससे पहले हरीश रावत ने अपने घर पर मौन रखा। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल पहुंचे। इस दौरान पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों पर वो बरस पड़े। पर्यटन मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सतपाल महाराज ने क्या कहा। पानी गरम, हाँ, या पानी होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर, आई रिपोर्ट टू मी, आई टेक वार्निंग दे रहा हूं आखिरी, हाँ, या पानी होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर, आई रिपोर्ट टू मी, आई टेक वार्निंग दे रहा हूं आखिरी, हाँ, या पानी होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर, आई रिपोर्ट टू मी, आई टेक वार्निंग दे रहा हूँ आखिरी, हाँ, या पानी होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर, आई रिपोर्ट टू मी, आई टेक वार्निंग दे रहा हूँ आखिरी, हाँ, या पानी होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर, आई रिपोर्ट टू मी। दरअसल कोट मल्ला क्षेत्र के ग्रामीण पेयजल विभाग की बेरुखी से बूंद बूंद कर पानी को लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्या सतपाल महाराज के सामने रखी और उसके बाद सतपाल महाराज ने अधिकारी पर जमकर गुस्सा उतारा। साथ ही सतपाल महाराज ने समस्या का समाधान न होने पर जल्द ही सूचित करने को भी कहा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे। हमने आदेश दिए हैं कि जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुदारखाल के अंदर, इससे इसका निराकरण किया जाए और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। उधर रामनगर के कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेंज में पार वाली बाघिन की संतानों में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। यहां 2 बाघिनों में लड़ाई का वीडियो सामने आया है। तो कॉर्बेट लोग जाते हैं, बाघ की एक झलक मिल जाए, हर कोई कॉर्बेट पहुंचकर यास लगाता है, लेकिन यहां पर देखिए 2 बाघिनों की लड़ाई लोगों को देखने में मिली। बाघिनों में वर्चस्व की लड़ाई देखी गई। कुछ समय पहले तक शावक, अब बाघिन बड़े हो चुके हैं, किस तरह आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। थोड़ी ही दूर पर कैमरा और दोनों का लड़ते हुए ये वीडियो उसमें कैप्चर हुआ है। अगली खबर हरिद्वार से। ज्वालापुर स्थित मालवीय धाम पर बनी पानी की टंकी पर अपने 2 बच्चों समेत एक महिला जा चढ़ी। आत्महत्या की ये महिला लगातार धमकी दे रही थी। महिला की पहचान कविता देवी, पत्नी विक्रांत चौहान, निवासी पांडेवाला ढेरावली के रूप में हुई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं।
रोहित शिकोला से इस पर अपडेट लेते हैं। रोहित, इस वक्त की क्या ताजा जानकारी है? क्या अभी ये महिला बच्चों समेत ऊपर है या फिर उसको निकाल लिया गया है? मैं आशा बताना चाहूंगा, जलापुर कोतवाली के ढीरवाली पड़ने वाले जगह पर मालवी धाम के पास एक पानी की टंकी है, जहां कामदी देवी चौहान नाम की महिला अपनी दो बच्चों को साथ लेकर टंकी पर चढ़ गई है और उसके कुछ पारिवारिक संपत्ति का मामला है जिसको लेकर वो आत्महत्या करने की धमकी दे रही है और लगातार पुलिस प्रशासन नीचे उसको मना रहा है। अभी फिलहाल वो अपनी दोनों बच्ची और खुद महिला अभी टंकी पर चढ़ी हुई है, पुलिस प्रशासन मौके पर है। तो अब भी स्थिति वही बनी हुई है, पुलिस प्रशासन समझा बुझा रहा है लेकिन वो महिला टंकी से उतरने को तैयार नहीं है, उसके बच्चे भी वहीं उसके साथ में हैं। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही अपडेट होगा आपके पास लौटेंगे। तो ज्वालापुर स्थित मालवीय धाम के पास ये टंकी है जहां पर एक महिला बच्चों समेत चढ़ गई है और टंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। पुलिस महिला को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन अपने बच्चों समेत ये महिला अभी ऊपर है। आसपास भीड़ लगी हुई है, हर कोई इसको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आत्महत्या की धमकी दे रही है ये महिला। हरिद्वार में अपने बच्चों के साथ एक महिला टंकी पर जा चढ़ी और आत्महत्या की धमकी दे रही है। हालांकि वो कौन है ये पुलिस ने पता कर लिया है लेकिन प्राथमिकता है कि पहले नीचे उतारा जाए बच्चों और महिलाओं को। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में जौनपुर विकासखंड के खरक और मेलगढ़ गांव के लोग सड़क की मांग करते आ रहे हैं लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही। 2003 में 15 किलोमीटर लंबे सुमन क्यारी बड़गांव काणी रोड को मंजूरी मिली थी, सड़क निर्माण के लिए टेंडर भी निकाले गए, 12 किलोमीटर के लिए बजट भी मंजूर हुआ, इसके बावजूद आज सड़क खरक गांव तक नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों ने कहा अगर सरकार सड़क निर्माण नहीं करवाती तो 2022 के चुनाव का वो बहिष्कार करें। थर्टीन डिवीजन के एक्सीएम को कार्यवाही करने को कहा था लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। एक्सीएन से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे जो शासन ने मांगा था दोबारा एस्टिमेट हमने भेज दिया है। इसमें जो है 2007 से लेकर के आज 2021 हो गया है, 14 साल में 3 एमएलए और यहां से निकल चुके हैं, उन सबसे निवेदन किया गया है लेकिन कोई इसमें रुचि नहीं ले रहा है। पौड़ी शहर में नगर पालिका ने बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर सतर्कता दिखाई है, पूरे शहर में मॉनिटरिंग के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। मीट की दुकानों से लेकर पोल्ट्री फॉर्म्स पर भी नजर रखी जा रही है। दूसरे शहरों से मुर्गियों के लाने पर पाबंदी लगाई गई है। एसएसबी श्रीनगर के पास कुछ कौवे मृत पाए गए थे जिसके बाद उनके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। जितने भी हमारे जो बेचने वाले हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उनमें हमारी टीम गठित हो चुकी है और वो जा रहे हैं वहाँ पे। उनको ये इंस्ट्रक्शन हम जारी कर रहे हैं कि जो स्थानीय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, जो मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से ना आए ये ध्यान रखा जा रहा है और स्थानीय फीड्स को ही बेचने के लिए कहा जा रहा है। बाकी साफ सफाई का तो है ही, हमारा साफ सफाई तो करवाए। उधर खटीवा में जलाशयों में आने वाले प्रवासी पक्षियों की मॉनिटरिंग हो रही है और वन विभाग ने कर्मचारियों की टीमें गठित की हैं। ये टीमें जलाशयों पर ड्रोन की मदद से प्रवासी पक्षियों पर नजर रख रही हैं। सुबह शाम के वक्त जलाशयों पर नजर रखी जाएगी। पक्षी वो काफी मात्रा में आते हैं तो इस संबंध में किसी का मॉर्टेलिटी हुआ है, कोई पक्षी का डेथ वगैरह तो नहीं हुआ, इस संबंध में जो है ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इससे एक और भी हमें जो है वो एक ऑब्जेक्टिव जो है हमारा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है पोचिंग भी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उनकी पोचिंग भी होती है तो ड्रोन के माध्यम से और फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। और अब एक प्रेरणादायक खबर जो आई है रुद्रपुर से, जहां 15 साल के अभिषेक का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुक में नाम दर्ज होने पर अभिषेक समेत उसके माता पिता भी खासे उत्साहित हैं। उसने 1:58 में विश्व के सभी देशों का नाम बताने का गौरव हासिल किया है। अभिषेक अभी 11वीं कक्षा में पढ़ता है और एक निर्धन परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता मूंगफली की ठेली लगाते हैं तो ऐसे में युवाओं को अभिषेक से सीख लेनी चाहिए। कहना चाहेंगे बस जैसा वो चल रहा है, चलता रहा, मेहनत करता रहा, हम अंश को
कामयाब हो, बस उसके लिए कोई ना कोई कामयाबी मिलना चाहिए, बस मेहनत हमारी सरकार सिर्फ हमारी मदद करे पढ़ाने में, जो भी जैसे मेहनत कर रहा है वो उसी हिसाब से बस चलाते रहे पढ़ाई में, जो अगले बढ़ते रहे। और एक बार फिर से बात करते हैं हरिद्वार से आ रही एक अहम खबर की, जहां ज्वालापुर स्थित मालवीय धाम पर बनी पानी की टंकी पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ चढ़ गई है। उसको पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उतरने को राजी नहीं है। और ये तस्वीरें, आसपास लोग हैं, पुलिस है, उसको मनाने की समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ये महिला आत्महत्या की धमकी दे रही है। इसकी पहचान कविता देवी के रूप में हुई है, जो कि विक्रांत चौहान नाम के एक शख्स की पत्नी बताई जा रही है। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है, ज्वालापुर कोतवाली पुलिस भी घटनास्थल पर है। महिला को समझाने का प्रयास चल रहा है लेकिन वो फिर भी उतरने को राजी नहीं है। तो हरिद्वार से ये खबर, जहां पर एक पानी की टंकी पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ चढ़ गई है, नीचे उतरने को तैयार नहीं है। पुलिस समझा रही है, अलग अलग तरीकों से बातचीत के लिए बुला रही है लेकिन ये महिला लगातार आत्महत्या की धमकी दे रही है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी ओपन यूनिवर्सिटी में 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कुलपति आवास का भूमि पूजन किया। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी महीने में मुक्त विश्वविद्यालय के 10 बड़े कामों का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। उधर रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में 16 जनवरी को हुई बुजुर्ग की हत्या में खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मृतक इरफान तांत्रिक का काम करता था और पूछताछ में यह भी बताया कि उसके साथ युवकों का कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। हर की पैड़ी पर पिथौरागढ़ और टिहरी जिले से लाई गई देव डोलियों को कुंभ पर्व के मद्देनजर स्नान कराया गया। देव डोलियां ईश्वर महादेव मंदिर, जोगेश्वर मंदिर से अल्मोड़ा, हल्द्वानी, दिनेशपुर, बाजपुर, रुद्रपुर समेत यमुनोत्री धाम से होते हुए हरिद्वार पहुंची थी। इस दौरान लोगों ने देव डोलियों का आशीर्वाद भी लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।